समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर सियासी हलचल मची हुई है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि तथाकथित रामचरितमानस में कुछ अंश को, जिससे इस देश की महिलाओं और शूद्र समाज के लोगों को प्रताड़ित और अपमानित की बात की गई है, इसके संशोधन और प्रतिबंधित करने की उन्होंने मांग की है। अब लोग बार बार इसको रामचरित मानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं हजार बार कह चुका हूं। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ नहीं आती।